अहमदाबाद जिले के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने सरकारी ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने संभावित तीसरी लहर को लेकर यहां की व्यवस्थाओं को परखने के लिए निरीक्षण किया और गंदगी मिलने पर अधिकारियों की क्लास लगा दी। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में जिले के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव का आगमन हुआ। उन्होंने संभावित तीसरी लहर को लेकर यहाँ की व्यवस्थाओं को परखने के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया है कि वार्डों में काफी गंदगी है, सफाई नहीं है। इसको लेकर CMS को अवगत कराया गया है और सफाई व्यवस्था को ध्यान दें, वहीं मरीजों से अच्छा व्यवहार रखें। वहीं टूटी स्ट्रक्चर को लेकर कहना था कि मशीनरी है, खराब हो गई है, तो क्या करें, पहले से भी खराब नहीं होनी चाहिए थी। पानी आदि की व्यवस्था को लेकर भी मीडिया से बात करते हुए नजर आए। सांसद जी, ये सरकारी ट्रामा सेंटर है जिसे आप बैठे हुए हैं, जो पीने के पानी के लिए व्यवस्था नहीं है। सबर सेवन है, उसका पानी सही नहीं है। वो जो वाटर वगैरह फिल्टर लगा हुआ है, उसका काफ़ी दिनों से खराब है। कि हमें सामने तो अभी चार्ज दिया है, काफ़ी पहले से खराब है। पानी तो हम सभी का जीवन है, पहले से खामियाँ हैं, तो मालूम व्यवस्था कराएंगे। कई वर्षों देखते चले जा रहे हैं कि मरीजों के साथ तीमारदार आते हैं, मरीज ही आते हैं, मगर आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। बाहर से गलाया जाता है, वो पिलाया जाता है, 10-15 दिन बाद का पानी। इसके बारे में यहाँ किस तरह से पानी का व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में मालूम करूँगा। पानी के उपलब्ध नहीं है, क्या समस्या है और किस तरह से समस्या आ रही है।